so many cultural activities are there. They keep doing time to time. Means so many functions it remains just before baby show also. After some time it will be there. Before some time annual function was there. That was also superb. And they take care about this thing also, that every child should take the participate in that. They do not leave the child. If someone is the best, only he is taking part. That is the best part about this school. बच्चे की नींव बनाने के लिए तो बेस्ट स्कूल यही है महेंद्रगढ़ में। बहुत अच्छा लगा, अच्छा ही लगता है यहाँ हमेशा यहाँ स्कूल में आके बच्चे को। मेरे मतलब पापा रिक्वेस्ट भी करते हैं सैनी सर से कि स्कूल को और मतलब 12th तक किया जाए ताकि हमारे बच्चे हैं वो यही पे पढ़े। पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है आज बचपन स्कूल के अंदर है, श्री ओम साई राम इंटरनेशनल स्कूल जो मोदा आश्रम के पास है। यहाँ पर हमारे पास कुछ अभिभावकगण भी खड़े हैं, बातचीत करते हैं, क्या कहते हैं स्कूल के बारे में। सर स्वागत जी, क्या कहेंगे स्कूल के बारे में? सर स्कूल के बारे में तो हम आप सबको पता है, बहुत अच्छा स्कूल है महेंद्रगढ़ जितना एरिया का अलग बहुत अच्छा स्कूल है, क्योंकि जो फैसिलिटीज मॉडर्न से मॉडर्न स्कूल में है वो सारी यहाँ उपलब्ध है। और मैं आर्मी में जॉब करता हूँ, तो मेरा बच्चा का ये है मेरा बच्चा वंश, इसको मतलब 5 साल तक ये बोल नहीं पाया था, तो 5 साल तक मैं ट्राई किया एक दो स्कूल में, वहाँ एडमिशन नहीं हो पाया इसका, स्पीच थेरेपी की वजह से ये बोल नहीं पाता था। उसके बाद मैंने 1 साल इसका स्पीच थेरेपी करवाया है, तो उसके बाद भी एक दो स्कूल में ना कर दिया था। फिर यहाँ बचपन में आए हम, इन्होंने इसका इंटरव्यू लिया तो इन्होंने इसको अच्छा रन करवाया है, तो अब ये फेस्ट में है, 3 साल हो गए इसको, और मेरी गुड़िया भी यहीं पढ़ती है। अच्छा, हाँ जी, LKG में है वो। ओवरऑल ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है जी, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट हुआ है। और जब भी हम यहाँ आते हैं पेरेंट्स मीटिंग में आते हैं, अच्छा प्रबंध भी रहता है इनका सारा, जैसे इनकी जितनी भी PT हम सब अटेंड करते हैं, और सबसे इनकी अच्छी चीज़ हमको लगी कि जो टीचर्स हैं इनके वो बाकायदा कॉल करते हैं, जैसे आज बच्चा नहीं आया कल नहीं आया तो 2 दिन में कॉल आ जाएगा, आज क्यों नहीं आया आपका बच्चा। क्या कहें मैम स्कूल के बारे में? सर डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू मी स्कूल इज़ वेरी नाइस, सिंस द स्टार्टिंग माई चाइल्ड ही इज रीडिंग इन दिस स्कूल, एंड मीन सो मेनी थिंग्स आई कैन से दैट दीज आर मीन्स वेरी नाइस, एज दे प्रोटेक्ट द चाइल्ड, एज दे टेक केयर अबाउट द चाइल्ड, वेदर ही इज कमिंग इन द स्कूल और वेदर ही इज नॉट कमिंग इन द स्कूल, एंड सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो मीन्स रिगार्डिंग द फी ऑल्सो स्कूल इज़ वेरी नाइस, एंड टीचर्स आर ऑल्सो वेरी अप्रिशिएबल एंड दे आर वेरी एजुकेटेड इन दिस मैनर, एंड दे कीप डूइंग ऑल द थिंग्स टाइम टू टाइम, सो दैट इज ऑल्सो सुपर। एंड इफ आई स्पीक रिगार्डिंग द सेल, दैट इज superb means this is there in this school that all the children they can speak in English. My own child also, I did not make him learn at home, but after coming in the school he is speaking very nicely. So this is why means I feel that school is best, and if your child is not speaking in Hindi language, so you should send your child in the same school. If he is habitual of speaking local language or vernacular language, so definitely he will speak in English language, and Hindi language he will learn. This is there. Means overall development is here, and if someone is interested in cultural activities, then what's happening? So many cultural activities are there. They keep doing time to time. Means so many functions it remains just before baby show also. After some time it will be there. Before some time annual function was there. That was also superb. And they take care about this thing also, that every child should take the participate in that. They do not leave the child. If someone is the best, only he is taking part. That is the best part about this school. That they take the each and every student, whether he is performing and whether he is not performing, but confidence they are improving between the students. What will you say to other parents to join this school? Yeah, definitely I will say on the behalf of this school that they should send their word in this school. If they want overall development of their child, then they should sign in this school. Thank you. Yes, sir, क्या नाम? विजय रावत। कहाँ से? मैं उत्तराखंड से रहने वाला। उत्तराखंड से? यहाँ पे रेलटेल कॉर्पोरेशन में जॉब करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर बच्चा पढ़ता है? हाँ, ये मेरा बच्चा नर्सरी में पढ़ता है अभी, रेल मैम के पास। ना बढ़िया स्कूल है, बहुत बढ़िया है, अभी तक 1 साल हो गया यहाँ पे मेरे को, तो बढ़िया स्कूल है, अच्छी पढ़ाई है, फीडबैक अच्छा रहता है हमेशा टीचरों से, बढ़िया है सब कुछ। मैडम क्या कहेंगे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं? बस बच्चों की तो सबसे पहले तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, जो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिली है। 1 साल हो गया हमारे बच्चे को यहाँ पे, तो कोई टेंशन नहीं है, मतलब बच्चा सेफली आता है और सेफ्टी से घर जाता है, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है इसके मामले में। और बच्चे मैनर के लिए भी काफ़ी सही है, मैनर्स भी बच्चे में अच्छे देखने को मिलता है यहाँ स्कूल की तरफ से भी, और घर में भी सही है बच्चा, हर चीज़ की एक्टिविटीज़ सही है, टीचर का फीडबैक भी सही रहता है, कॉल अटेंड्स होती हैं हर टाइम, ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ बच्चे के लिए हो तो मतलब हमेशा टीचर अवेलेबल रहती है कॉल्स पे, ऐसा नहीं है कि हम कॉल करेंगे तो वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, हम
हमेशा रिस्पांस मिलता है हमें टीचर्स का, तो ये काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, अच्छा ही लगता है यहाँ हमेशा यहाँ स्कूल में आके हर। अभी आप अपना नाम बताओ, नाम नहीं बताना, नाम बता दो, बताओ। कोई नहीं। तो मतलब ओवरऑल ठीक है सर? हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया स्कूल है, बच्चों के लिए तो स्पेशली बहुत बढ़िया स्कूल है महेंद्रगढ़ में। थैंक यू सर, थैंक यू। स्कूल के बारे में यही कहना चाहूँगी कि स्कूल बहुत अच्छी है। जैसे मेरे जो बड़े वाला बेटे हैं वो अभी 12th में है फिलहाल, वो भी इसी स्कूल से उन्होंने बेस जो है उन्होंने क्लियर किया था। और जो टीचर्स हैं वो स्पेशली बहुत अच्छी हैं, मैं कभी भी उनको कॉल करती हूँ तो मुझे बहुत मतलब सहयोग करती हैं, हेल्प करती हैं, और कुछ भी मुझे पूछना होता है सारे डाउट्स वगैरह क्लियर करते हैं। और बच्चों का बेस है इसी स्कूल से ही क्लियर हुआ है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी बच्चों को पढ़ाना है तो इसी स्कूल में पढ़ाएं छोटी क्लास के लिए, बाकी ये आपके सामने ही परफॉर्मेंस आप जो देख रहे हैं बच्चों का वो बहुत अच्छा है। थैंक यू। मेरा नाम मानसी शर्मा है जी। कौन सी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं? मेरा बेटा है 4th क्लास में है और बेटी है वो 2nd में है। अच्छा। मैंने स्कूल बहुत ही अच्छा है, मेरे बेटे जो बेटा था ना वो बिल्कुल नील था मतलब स्टडी में, बट यहाँ पे आने के बाद वो मैंने यहाँ पे उसको जुलाई में डाला था हाफ मिड सेक्शन में, तो सर यहाँ पे जो आने के बाद उसकी जो स्टडी का जो लेवल है ना वो बहुत अच्छा है, वो बहुत इंप्रूव कर रहा है। सो मैं कह रही हूँ अगर जो टीचर है ना उनको मैं बहुत ही एक्सपर्ट टीचर है यहाँ के, सैल्यूट करते हैं सर। राइट सर। हाँ सर, मैं अभी मैम से मिल के आई हूँ, मैनर्स में और स्टडी में तो मतलब ठीक है, स्टडी में मैं ये नहीं कहती 100 है, 100 तो देखो कहीं नहीं मिल सकते इतनी जल्दी, लेकिन जो 45% में यहाँ पे बता रही हूँ। हाँ ये तो टीचर्स की बात रही, मैनेजमेंट की मैं सर इतना नहीं जान पाई हूँ, यहाँ के स्कूल मैनेजमेंट भी अच्छा है। टीचर्स में मैं मिलती हूँ पीटीएम पे, बच्चे का रिजल्ट बताता है कि क्या चल रहा है स्कूल में। थैंक यू। मतलब टीचर्स मतलब अपना स्कूल पूरा अच्छा है, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को कि स्कूल इसमें दाखिला करवाए नहीं करवाए? बिल्कुल सर, बच्चे की नींव बनाने के लिए तो बेस्ट स्कूल यही है महेंद्रगढ़ में। ठीक है, थैंक यू सर। एक स्टूडेंट है, क्या नाम आपका? सर माय नेम इज संगम। तो कैसा लगता है यहाँ पर आते हो आप? स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, सारी टीचर्स स्टाफ एंड प्रिंसिपल चेयरमैन सब बहुत अच्छे हैं यहाँ के। सब अच्छे हैं? सब अच्छे हैं। आप पढ़ाई कैसी करते हो? पढ़ाई मैं तो अच्छी करती हूँ, मेरे जो कि मेरे से तो मैं 100% अपना देने का ट्राई करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ जैसे मेरी पोजिशंस आती हैं वो आती रहे। कौन सी क्लास? 5th। कब से पढ़ रहे हैं? मैं स्टार्टिंग से इसी स्कूल में हूँ, प्ले नर्सरी से। अच्छा। मेरे पेरेंट्स को लगता है स्कूल में कुछ कि हाँ भाई ये स्कूल अच्छा है, तो स्टार्टिंग से अब बच्चे को मेरे मतलब पापा रिक्वेस्ट भी करते हैं सैनी सर से कि स्कूल को और मतलब 12th तक किया जाए ताकि हमारे बच्चे हैं वो यही पे पढ़े। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हाँ जी, क्या कहेंगे स्कूल के बारे में? काफ़ी अच्छा स्कूल है, ये LKG क्लास में पढ़ते हैं। LKG क्लास में पढ़ते हैं, बस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है स्कूल में। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि यही स्कूल क्या है। आप बोलो, आप अपना बताओ। माय नेम इज दिकांश। अरे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? LKG क्लास। ओके, व्हाट्स योर मम्मा नेम? है मम्मी का नाम क्या है? ज्योति जी। सर क्या कहेंगे स्कूल के बारे में? स्कूल बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए स्कूल है ये, बहुत अच्छा काम। क्या नाम है सर? मेरा नाम नागर सिंह है, मैं गवर्नमेंट लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट स्कूल में। तो यहाँ पहली बार आए हैं? नहीं नहीं, पेरेंट्स तौर पे ही हूँ, तो मेरा बच्चा पढ़ता है 3 साल से। अच्छा, तो कैसी क्या ग्रोथ? ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई में सब ठीक है, छोटे बच्चों के लिए स्कूल सही है। छोटे बच्चों के लिए स्कूल सही। और कुछ कहना? बस तो कहना कि बच्चों की पढ़ाई ठीक होनी चाहिए, और पढ़ाई का काम तो ठीक है ही। तो आज हम पहुंचे थे बचपन प्ले स्कूल के अंदर, और देखा कि आपने किस प्रकार से जो है ना यहाँ पर जो पेरेंट्स आए उन पेरेंट्स ने बचपन स्कूल के बारे में, श्री ओम साईराम स्कूल के बारे में बताया कि ये जो स्कूल है काफ़ी अच्छा स्कूल है। बाकी आप क्या कहेंगे स्कूल के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, और आपको इस तरह की हम खबरें और भी दिखाते रहेंगे अपने बच्चे को सही जगह पर भेजने के लिए। इस तरह के स्कूल से संबंधित कवरेज और बहुत सारी सोशल न्यूज़ हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो इन सभी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।